श्योपुर जिले की विजयपुर तहसील में लगातार चार दिन से हो रही बेमौसम बरसात से किसानों की फसल पूरी तरह नष्ट हो चुकी है, जिसका मुआवजा दिलाने को लेकर आज कांग्रेस पार्टी के कार्यकारिणी अध्यक्ष रामनिवास रावत पार्टी पदाधिकारी किसानों के साथ विजयपुर तहसील पहुंचे और मुख्यमंत्री के नाम SDM को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में उल्लेख किया गया कि विगत दिनों से लगातार हो रही बेमौसम बरसात से विजयपुर बीरपुर में किसानों के खेतों में खड़ी बाजरा, सोयाबीन, उड़द, धान इत्यादि फसलें पूरी तरह नष्ट हो चुकी हैं। किसानों के सामने भयंकर आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया है। विगत दो वर्षों से लगातार प्राकृतिक आपदा के कारण अपनी फसलें नहीं ले पा रहा है। शासन द्वारा समय समय पर सर्वे नहीं कराए जाने के कारण किसानों को फसल के नुकसान की क्षतिपूर्ति राशि भी नहीं मिल पा रही है। शासन द्वारा असमय हुई भारी बरसात के कारण फसल नुकसानी का सर्वे कराने के निर्देश तो दे दिए हैं, किंतु अभी तक राजस्व अमले द्वारा सर्वे कार्य प्रारंभ नहीं किया गया, जिसे जल्दी प्रारंभ कराया जाए, किसानों को राहत राशि वितरित की जाए, साथ ही बीमा कंपनी से बीमा की राशि दिलाई जाए और किसानों की विद्युत बिल वसूली स्थगित की जाए। आप भी देख रहे हो भैया, पिछले 7-8 दिनों से भयंकर बारिश हो रही है। किसान की फसल खेत में खड़ी है, कटी पड़ी है, उसका भयंकर नुकसान हुआ है। किसान त्राय त्राय कर रहा है, फसलें नष्ट हो गई हैं। उसका सर्वे कराने के लिए, मुआवजा दिलाने के लिए ये ज्ञापन दिया है, क्योंकि पिछली बार बाढ़ आई थी उसका मुआवजा नहीं दिया, पिछली बार ओले पड़े थे उसका मुआवजा नहीं दिया। और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को मैं समझता हूँ कोई चिंता नहीं है, किसानों से लेना देना नहीं है। खाद DAP है नहीं, लंपी वायरस से पशु मर रहे हैं, इधर फसल नष्ट और उधर लंपी वायरस से पशु नष्ट, लेकिन किसानों की चिंता सरकार को नहीं है। उसको चेताने और सूचना देने आए हैं, अभी तो सूचना दी है, ज़रूरत पड़ी तो आगे ज़बरदस्त लड़ाई लड़ेंगे। इनके अभी रोटी पानी बंद कर